Hello, my dear student. I hope you all are doing well. So today we will start about the lesson planning based on art integrated learning. Art a कला शिक्षा पे एकीकृत शिक्षण क्या होता है और पाठ्य योजना क्या है, मतलब लेसन प्लानिंग की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं. इन वर्ड्स ऑफ एलन बूजिंग, लेसन प्लान इज द टाइटल गिवन टू अ स्टेटमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव टू रियलाइज अ स्पेसिफिक मींस बाय दीज एंड अटेन एन रिजल्ट ऑफ एक्टिविटी ड्यूरिंग द पीरियड. क्या कह रहे हैं एलन बूजिंग कि जो लेसन प्लान है एक ऐसा टाइटल दिया गया है जिसके अंदर आप जो गतिविधियां कक्षा कक्ष में जाके उस पीरियड के दौरान कराने वाले हो उसके लिए आप स्पेसिफिक मींस कि आप कौन से तरीकों से कराओगे और ये सारी चीजें प्रिपेयर करना ही लेसन प्लानिंग है. लेसन प्लानिंग इज अ विटल कॉम्पोनेंट ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, हमारे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण घटक है जिससे आपका जो टीचर है वो इफेक्टिव बन सकता है, नई नई चीजें क्रिएट कर सकता है और हमारी चीजों को सिंथेसाइज करके एक नई प्रकार से पढ़ा सकता है, एक अच्छी प्रकार से पढ़ा सकता है बच्चों की पेडागोजी को जान के, जिससे उसकी टीचिंग बहुत बेहतर हो जाएगी. अगर मैं इम्पोर्टेंस की बात करूँ तो इम्प्रोवाइजेशन मतलब जो हमारी डबलिंग होती रहती है ना उसे बिल्कुल खत्म कर देता है और हर एक टीचर को एक लेसन प्लान बनाना चाहिए जिससे जो टीचर है वो इफेक्टिव बन जाएगा. एक्टिविटी गोल असेसमेंट और हमारी ऑन टाइम प्रॉपरली कंप्लीट हो जाएंगी, इंपॉर्टेंट टूल्स हमारे पास हो जाएंगे और क्लासरूम में कैसे एक बच्चे को लर्न करवाना है ज्यादा से ज्यादा उस पर भी हम बात कर पाएंगे. अब बात आती है इंटीग्रेशन की. द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन इज द एक्ट ऑफ कंबाइनिंग, इंटीग्रेट करना होता है, कंबाइन करना. तो इंटीग्रेट मतलब है यहाँ पे आप टॉपिक्स को कंबाइन कर सकते हो, यूनिट को कंबाइन कर सकते हो, या मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो हमें यहाँ पे अलग अलग विषय को कला शिक्षा के साथ इंटीग्रेट करके पढ़ाना है. सो इंटीग्रेशन मीन्स व्हेन थीम, सब्जेक्ट और प्रोजेक्ट आर कंबाइंड, स्टूडेंट्स सी मोर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द सब्जेक्ट. तो इंटीग्रेट करने का मतलब है यहाँ पे सब्जेक्ट प्रोजेक्ट को कंबाइन किया जाता है जिससे आप चीजों को ज्यादा बेहतर से समझ पाओ. इंटीग्रेशन ऑफ आर्ट्स, हमारा इंटीग्रेशन अलग अलग सब्जेक्ट के साथ होता है, लैंग्वेज के साथ हो सकता है, सोशल साइंस, साइंस, मैथ, इन सबके साथ हम अपने आर्ट को, अपनी कला शिक्षा को इंटीग्रेट कर सकते हैं. और हम क्यों कर रहे हैं, लर्निंग को इंक्रीज करने के लिए, नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए और होलिस्टिक डेवलपमेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं उसे हम एक्सप्रेस करके दिखाएं तो वही हमारा इंटीग्रेशन कहलाएगा. विद द इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट्स द आर्ट प्रोसीड फ्रॉम डिफरेंट स्टेजेस, अलग अलग स्टेजेस से चलता है, ऑब्जर्व करना, थिंक करना, इमेजिन करना, एक्सप्लोर करना, एक्सपेरिमेंट करना, डिड्यूस करना कि क्या आपका रिजल्ट है, क्रिएट करना, रिक्रिएट करना और चीज़ों को एक्सप्रेस व्यक्त करना इज ऑल्सो देयर. हमारी तीन स्टेजेस होती है, कौन सी, कॉग्निटिव, इफेक्टिव और साइकोमोटर. यहाँ पे आप चीजों को करके दिखा रहे होते हो, डिपिक्शन दे रहे होते हो. लाइक अगर आपको बताना है सोलर सिस्टम तो आर्ट वाला टीचर ये कर सकता है कि उनके लिए एक सोलर सिस्टम बना लाए जिसके द्वारा कि वो दूसरे टीचर उसको हेल्प हो जाए और वो इंटीग्रेट करके उसमें पढ़ा ले. तो बच्चों को आर्ट करनी भी आ गई, सोलर सिस्टम बनाना भी आ गया और उन्हें लर्निंग भी हो गई. इसके बाद है आर्ट इंटीग्रेटेड विद द लैंग्वेज. लैंग्वेज के साथ बात करूँ तो हम लैंग्वेज को विजुअली प्रेजेंट करने के लिए आर्ट को इंटीग्रेट कर सकते हैं. जैसे कब बच्चा रो रहा है, कब बच्चा भाग रहा है, कब बच्चा हंस रहा है, कब खाना खा रहा है, तो इनको जो फिगर से आप विजुअल रिप्रेजेंटेशन दोगे वो आर्ट का पार्ट हो जाएगी और जो उसके बारे में नॉलेज या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो वो हमारे सब्जेक्ट का पार्ट हो जाएगी. तो जैसे ये रो रहा है, हंस रहा है ना, ये हमारे किसके पार्ट है, आर्ट के. इसके बाद हमारा दूसरा आता है परफॉर्मिंग आर्ट. परफॉर्मिंग आर्ट में भी आप इन चीज़ों को दिखा सकते हो, जैसे पपेट्री शो करा सकते हैं, करेक्टर करा सकते हैं, रोल प्लेइंग करा सकते हैं, स्टोरी करा सकते हैं. तो इनसे भी हम आर्ट को इंटीग्रेट कर रहे हैं और हम उन करेक्टर को लैंग्वेज में भी क्या कर रहे हैं, यूज कर पा रहे हैं. आर्ट इंटीग्रेटेड विद साइंस. साइंस की बात करूँ तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन में मैंने आपको बताया ही कि सोलर सिस्टम का एग्जाम्पल दिया है, तो किसी टॉपिक को डिपिक्शन देने के लिए या किसी टॉपिक को इलेबरेट करने के लिए जब उनके साथ हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन को ऐड कर देते हैं. लाइक अगर साइंस में बात करूँ तो बच्चों को फ्रूट्स के बारे में बताना है, बच्चों को साउंड के बारे में सिखाना है, तो उनके लिए भी हम डिपिक्शन कर सकते हैं विद इलस्ट्रेशन, दैट इज नोन एज आर आर्ट इंटीग्रेटेड विद व्हाट, आर्ट इंटीग्रेटेड विद साइंस. यहाँ पे भी पपेट्री शो करा सकते हो किसी चीज को समझाने के लिए, बताने के लिए कि मान लो कि आप क्लीनलीनेस कैसे रखोगे, कोई एक करेक्टर है जो पन्नी उठा के कूड़ेदान में डाल रहा है. परफॉर्मिंग आर्ट में कोई ड्रामा करा सकते हैं हम साइंस के अंदर और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के लिए भी आप रोल प्ले करा सकते हो कि हमारे नोज स्मेल करती है, ये करते हैं, तो हम ऐसे भी कार्य करा सकते हैं. देखो जैसे ड्रामा करा के हम क्या करा रहे हैं, बच्चों को एनिमल्स के बारे में सिखा रहे हैं. इसके बाद हमारा सोशल स्टडीज, हमारी आर्ट एजुकेशन हमारी सामाजिक अध्ययन के साथ कैसे रिलेटेड है. विजुअल प्रेजेंटेशन में बात करूँ तो मेनली हमारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स होते हैं. तो इन पे अगर ज्योग्राफी के बारे में बताना है तो हम मैप्स, ग्लोब्स ये यूज कर सकते हैं. हिस्ट्री के बारे में बताना है तो रोल प्ले करा सकते हो, किसी राजा के बारे में बता रहे हो. अगर आप किसी स्क्रिप्ट आप किसी स्कल्पचर के बारे में बता रहे हो तो उसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं.
सिविक के बारे में बता रहे हो तो आप सिविलाइजेशन वगैरह बता दो। तो हिस्ट्री बताने के लिए हम किसी किंग को पपेट के द्वारा दिखा सकते हैं या रोल प्ले या ड्रामा भी करा सकते हैं, देखो ठीक है। इसके बाद आप परफॉर्मिंग आर्ट में आप किसी कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए विजुअली क्या कर सकते हो बता सकते हो, या खुद को एक लीडरशिप क्वालिटी से जोड़ के भी हम डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये किंग हो गया और ये मतलब डांस कर रहे हैं, जो भी एक्ट कर रहे हैं उनके लिए। आर्ट इंटीग्रेटेड विद मैथ्स, मैथ्स में बात करूं तो कैसे कला शिक्षा को गणित के साथ एकीकृत किया जाएगा। मैथ्स में कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए आप डिफरेंट शेप्स की बात करो, छपेंगे उन शेप्स को हम आर्ट की हेल्प से, और वो हमारी विजुअल रिप्रेजेंटेशन हम आर्ट से देंगे, बट हम उसके बारे में नॉलेज किसकी दे रहे हैं, मैथमेटिकल नॉलेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे ये रेक्टेंगल हो गया, ट्राइंगल हो गया, स्क्वेयर हो गया, सर्कल हो गया। परफॉर्मिंग आर्ट में क्या कर सकते हैं हम बच्चे, जैसे मैंने कहा कि देर इज अ वॉल्यूम, तो बच्चे उसमें पोर करके देख सकते हैं। परफॉर्मिंग आर्ट में उन्हीं को जैसे मैंने कहा कि सर्कल, सर्कल को फिर पैरामीटर निकालने के लिए बच्चा परफॉर्म कर सकता है। क्लॉक इज ऑल्सो देयर, जिसमें आप परफॉर्मिंग आर्ट को यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है बेनिफिट, क्या फायदे हैं। बेनिफिट ऑफ आर्ट एजुकेशन, क्रिएटिविटी बढ़ती है, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है बच्चों की, सेल्फ एक्सप्रेशन बढ़ते हैं, बच्चे ज्यादा कल्चरल अवेयर हो जाते हैं, अचीवमेंट बढ़ती है बच्चों की, मेंटल हेल्थ इनहेंस होती है, और बच्चे वेलबींग करना भी सीखते हैं। तो आर्ट एजुकेशन कराने के काफी फायदे हैं, जिसमें बच्चा जो है बेसिक स्किल से अवेयर हो जाएगा, उसका कंटेंट हाइयर लेवल पे चला जाएगा, और जो लर्निंग है वो भी लाइफ लॉन्ग रहेगी। और अगर आप आर्ट एजुकेशन को इंटीग्रेट करके सिखाओगे तो कॉन्सेप्ट्स की मीनिंग समझ आएंगी, करिकुलर के साथ साथ को करिकुलर एरिया बढ़ेंगे, और विजुअल रिप्रेजेंटेशन होने से परमानेंट नॉलेज हो जाएगी, बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाएंगे, एंड वी हैव द अपॉर्चुनिटी कि हर एक बच्चा बढ़ चढ़कर भाग ले सके। कैपिटेटिव मोटिवेट्स एंड चैलेंज द लर्नर, शिक्षार्थियों को आकर्षित करेगा, मोटिवेट करेगा और नए नए चैलेंजेस देगा, डीपर अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। अपॉर्चुनिटी की बात मैंने कर ली, स्मॉल में भी मतलब ग्रुप्स में भी और इंडिविजुअल भी, अकोमोडेट करेंगे हम वेरियस लर्निंग स्टाइल्स, जिसके अंदर इंट्रेंसिक मोटिवेशन, एक्सटेंसिक मोटिवेशन, इंट्रेंसिक होते हैं तो बच्चा खुद से चाहता है, एक्सटेंसिक होती है आप कोई गिफ्ट वगैरह देके प्रोवाइड कर रहे हो, और बच्चों की एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी। और जो सब्जेक्ट बच्चों को मैथ्स या साइंस जैसे सब्जेक्ट जो मुश्किल लगते हैं, इन्हीं की वजह से हम आसानी से समझा पाएंगे। जनरल ऑब्जेक्टिव क्या है आर्ट एजुकेशन के, आर्ट को इंटीग्रेट करके स्टूडेंट्स के स्कोर को बढ़ाना, बच्चों को एंगेज करना, पार्टिसिपेशन इंक्रीज करना, इक्वालिटी और इक्विटी की बात करना, असेसमेंट में हेल्प करना, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कराना, और बच्चों को इनरोल करना या इन्वॉल्व करना इन द लर्निंग। सो दीज आर द बेनिफिट। और क्या बेनिफिट है, बच्चों को कॉन्शियस बनाए, इन्वायरमेंट, क्लास रूम, होम इन्वायरमेंट को एक्सप्रेस करना सिखाएं, बच्चों को सेंसेस इनहेंस कराएं, और अपनी सेंसेस से कैसे एक्सप्लोर कर सकते हो नई नई चीजें, ये भी आप बच्चों को इन उद्देश्य के तहत बता सकते हो। ग्रॉस एंड स्किल, मोटर स्किल, ग्रॉस स्किल होती हैं जो हमारी ऐसी स्किल हैं जिनको हमारे बच्चों को आना चाहिए, जैसे पेंसिल शेडिंग हो गई, मोटर स्किल है जैसे मसल्स की जो स्किल है वो बच्चों को आए, हमारी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, बच्चा एक जगह बैठ के काम कर रहा होगा, अप्रिशिएशन दे सकते हो आप। और सब्जेक्ट सिखाने से ये भी होगा कि बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, वो भी ज्यादा से ज्यादा इनहेंस हो जाएगी। नेक्स्ट आप एक चीज और नोट कर लो, जब आप यही उद्देश्य लेसन प्लान में लिखोगे तो हमारे पास दो टाइप के उद्देश्य रहते हैं, जनरल हमारे ऑब्जेक्टिव रहेंगे और हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स इज ऑल्सो देयर, तो आप इनका भी ध्यान रखोगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है लेसन प्लानिंग का, मैं यहाँ से आपको लेसन प्लानिंग के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन को ऐड कर दूंगी। हमें लेसन प्लान क्यों करने चाहिए, प्लानिंग क्या होती है ओवरऑल, देखो किसी भी चीज को, किसी प्रोजेक्ट को, किसी प्रोसीजर को सक्सेसफुल करने के लिए हमें उसे बेटरली प्लान करना चाहिए। तो सक्सेस के चांसेस हमारे तभी अच्छे होते हैं जब हम उस चीज को प्लान कर लेते हैं। प्लानिंग का मतलब है उसके अंदर हमें क्या फिजिकल एफर्ट्स लगाने हैं, प्लानिंग करते हुए आप पूरे मेंटल एफर्ट्स लगा लेते हो, और इसके साथ साथ आप फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स क्या लेके चलोगे, दैट इज नोन एज प्लानिंग। आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज कौन से हैं, हाउ टू यूज दैट रिसोर्सेज एंड हाउ टू यूज दैट रिसोर्सेज टू मेक आर यील्ड वेरी बेटर। हम कैसे कर सकते हैं कि हमारी जो यील्ड है वो अच्छी मिल जाए, हमें रिजल्ट बहुत अच्छा मिल जाए। सो प्लानिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर द सक्सेस फॉर द प्रोजेक्ट। हमें किसी भी प्रोजेक्ट की सक्सेस के लिए प्लान करना चाहिए, उसके अंदर हमारे फिजिकल, मेंटल और फाइनेंशियल एस्पेक्ट जुड़े होने चाहिए। एंड टीचिंग की बात करूँ तो तीन टाइप की प्लानिंग होती है, कौन कौन सी, ईयरली प्लानिंग, यूनिट प्लानिंग और डेली लेसन प्लानिंग। सो फर्स्ट है हमारा ईयरली प्लानिंग, द लेसन प्लानिंग विच इज डिपेंड्स ऑन द ईयर प्लानिंग, दैट इज नोन एज आर ईयर प्लानिंग, जिसके अंदर आप पूरे साल की टर्म्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो कि आपको साल में पूरे साल में किस डेट पे कौन से मंथ में कौन सा कार्य करना है। सो इट इज अ टर्म और सिलेबस वाइज डिस्ट्रीब्यूशन मंथ वाइज होता है, मंथली सिलेबस इज फर्दर डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ वीकली, और वीकली जो है आगे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं डेली के लिए,
ईयरली प्लानिंग में मैथ्स टीचिंग इन अ पर्टिकुलर क्लास बेस्ड अपॉन किन किन चीजों पे रहेगी, आपका सिलेबस क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव क्या थे किसी को, आपको कॉन्सेप्ट कॉन्टेंट क्या बढ़ाना है, आपको लर्निंग एक्सपीरियंसेस बच्चों को क्या करने हैं, और आपके पास एनवायरमेंट में रिसोर्सेज क्या क्या प्रोवाइडेड है। तो ईयरली प्लानिंग वो होती है जब आप पूरे ईयर की प्लानिंग करते हो, टर्म वाइज हो सकती है ये और सिलेबस वाइज हो सकती है। इसमें चीजें क्या क्या ध्यान रखोगे, आपका सिलेबस ध्यान रखना है, आपको ऑब्जेक्टिव ध्यान रखने हैं, आपका कॉन्टेंट क्या होना चाहिए, लर्निंग एक्सपीरियंसेस क्या होने चाहिए और अवेलेबल रिसोर्सेज कौन कौन से रहेंगे, इनका ध्यान रखना है। तो देखो ये एग्जाम्पल है हमारा, जैसे अगस्त सेप्टेम्बर का हमें कौन कौन सी चीजें करानी है, कितने वीक में क्या क्या काम हो जाएगा और उसके बाद एक्टिविटी क्या सजेस्टेड है ये भी यहाँ पे गिवन है। नेक्स्ट है हमारी यूनिट प्लानिंग। द होल सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स फॉर अ क्लास इज डिवाइडेड इनटू यूनिट। पूरा सिलेबस जो है कुछ यूनिट में डिवाइडेड होता है। जैसे अगर मैं डीएलएड की बात करूं तो हमारा पूरा सिलेबस किस चीज में डिवाइडेड है, पूरा सिलेबस हमारा डिवाइडेड है 5 यूनिट में। 5 यूनिट्स में भी हमारे चैप्टर डिवाइडेड है। सो ईच यूनिट कंप्राइजेज ऑफ चैप्टर, उनके अंदर चैप्टर्स होते हैं। चैप्टर्स के अंदर, चैप्टर्स की बात करूं तो उनके अंदर हमारे पास टॉपिक्स और सब टॉपिक्स होते हैं। सो जैसे हमारे पास होल नंबर एक यूनिट है, इसके अंदर इंटीजर, फ्रैक्शन, डेसिमल ये सारे आ जाएंगे। तो नंबर सिस्टम यूनिट के अंदर है। जैसे ज्योमेट्री के अंदर की बात करूं तो ट्राइंगल्स, प्रॉपर्टीज, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, ये पूरा ज्योमेट्री का पार्ट आ जाएगा। प्रोपोर्शन की बात करूं तो हमारे परसेंटेज, प्रॉफिट, सिंपल इंटरेस्ट, दिस इज द अनदर यूनिट फॉर द रियल लाइफ यूनिट और द रेशो प्रोपोर्शन यूनिट। अगर मैं कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल की बात करूं तो हाउ टू कंस्ट्रक्ट द पैरेलल, द परपेंडिकुलर एंड हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल, ये आ जाएंगे। व्हाइल प्लानिंग फॉर द टीचर यूनिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टर्म वाइज, ऐसे हमारी यूनिट डिवाइडेड होती है कि हमें उस टर्म की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए एक यूनिट में, और उससे ज्यादा यूनिट में ऐसे प्लान किया जाता है कि सेम टॉपिक एक यूनिट कंटेंट कर ले, और यूनिट भी ऐसे मॉनिटर और कलेक्ट की जाती है कि उसके सब यूनिट और सब पार्ट उससे ओरिएंटेड हो। नेक्स्ट है फॉर्मेट फॉर यूनिट प्लानिंग। द यूनिट प्लानिंग मे बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग स्टेप। हमें कौन कौन से स्टेप्स के अकॉर्डिंग हमारी यूनिट प्लान करनी है। सबसे पहले तो पूरा सब्जेक्ट जानो। सब्जेक्ट जैसे हमारा क्या हो जाएगा, मैथ्स। टॉपिक कौन से टॉपिक रहेगी उस यूनिट का नाम दे देंगे, कौन सी क्लास के लिए क्लास का नाम, कितने नंबर ऑफ पीरियड जाने चाहिए, ये भी हमारे वहाँ पे गिवन होता है कि आपको ये कौन सा कॉन्सेप्ट कितने नंबर ऑफ पीरियड में पढ़ाना है। टीचिंग एड क्या यूज करोगे, आपका कंटेंट कैसे कवर होगा, सब यूनिट्स क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है उसके कम्प्लीशन के लिए। देन नंबर ऑफ टाइटल क्या रहेगा कि एक पीरियड में कितना टाइम आप लोगे, टीचर्स की एक्टिविटी क्या रहेंगी, स्टूडेंट्स की एक्स्ट्रा एक्टिविटी ऑल्सो गिवन इन दैट यूनिट प्लानिंग, कलेक्टिव एक्टिविटी ऑफ टीचर स्टूडेंट, असाइनमेंट्स क्या दिए जाएंगे एंड व्हाट काइंड ऑफ रिलेटिव एक्टिविटीज कौन सी होंगी, एंड इवेल्युएशन लास्ट में कैसे करना है, एंड यू कैन गिव द रेफरेंसेस कि ये आपने आइडिया कहाँ से सीखा है। नेक्स्ट आते हैं हमारे डेली लेसन प्लानिंग। अब तक आई थिंक आप डीएलएड सेकंड ईयर में हो गए, आप सब अवेयर हो कि हमें लेसन प्लानिंग बनानी कैसे होती है। सो ईयर प्लानिंग एंड यूनिट प्लानिंग इज नॉट सफिशिएंट फॉर द सक्सेसफुल लर्निंग बिकॉज वी हैव टू प्लान आर डे टू डे टीचिंग। हमें अपने दिन भर की, मतलब एक एक दिन के टीचिंग को भी प्लान करना होता है। तो अगर मैं बात करूँ हमारी ईयर प्लानिंग की, तो ईयर प्लान हमारी मंथ में होती है, और अगर मैं यूनिट की बात करूँ तो वो मंथली प्लानिंग भी आगे जाके हमारी डिवाइड हो जाती है हमारी किस में, वीकली प्लानिंग में। बट जो डे टू डे टीचिंग की प्लानिंग करी जाती है उसे डेली लेसन प्लान बोलते हैं। इसके अंदर टीचर अपने उस स्पेसिफिक पीरियड में जाके क्या पढ़ाने वाला है, कितना पढ़ाने वाला है, कौन सी मेथड लेके चलेगा, कैसी इवेल्युएशन टेक्निक लेके चलेगा। सो व्हाई टू टीच, ऑब्जेक्टिव, व्हाट टू टीच, कॉन्टेंट, हाउ टू टीच, मेथड्स एंड हाउ टू चेक द नॉलेज, इट इज इवेल्युएशन। इन सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए हम अपनी डेली प्लानिंग करते हैं। सो द प्लान इज रिप्रेजेंटेड इन द रिटन फॉर्म। कैसे बनाया जाएगा उसका फॉर्मेट मैं आपको बता देता हूं। आइडेंटिफाइंग द डाटा, पहले डाटा देखो कि आपको पढ़ाना क्या है, मींस द थोरो नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट। आप लेसन प्लान का नंबर दोगे, इसके साथ साथ आपको क्या क्या बताना है, सब्जेक्ट कौन सा है, क्लास कौन सी है, टॉपिक आपका स्पेसिफिक टॉपिक क्या है, उसके बाद ड्यूरेशन आप कितने लोगे, 30 से 40 मिनट, कितने का आपका पीरियड है। देन आते हमारे ऑब्जेक्टिव, जिसके अंदर हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे और इंस्ट्रक्शनल और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे। इसके बाद हमारे पास टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या ले रहे हो। देन आती है हमारी प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, एंड इन प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग वी आर आस्किंग सम क्वेश्चन फ्रॉम द स्टूडेंट, टिल देन द स्टूडेंट इज नॉट एबल टू आंसर। जब तक बच्चे आंसर देना बंद नहीं कर देंगे तब तक हम वो क्वेश्चन वी कैन गोइंग टू आस्क दैट क्वेश्चन। इसके बाद आती है हमारी इंट्रोडक्ट
इंट्रोडक्शन, हमें अपना जो अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक कर देनी है, इंट्रोडक्शन देनी है हमने चैप्टर की, एंड देन एम अनाउंस कर देना है कि हम ये क्यों करने वाले हैं। यहीं पे इंट्रोडक्शन में आप अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक कर सकते हो। नेक्स्ट हमें पूरा जो है प्रेजेंटेशन करनी है, एंड लास्ट में आपको बताना है कि आप क्या जनरलाइज कर सकते हो। एप्लीकेशन बताने की, बेटा अगर मैंने ये इन्फॉर्मेशन आपको दी है तो आप इसका प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हो। देन वी हैव टू रिकैप्चुलेट आवर लेसन प्लान, एंड लास्ट में हमें बच्चों को होमवर्क प्रोवाइड कर देना है। अगर मैं लेसन प्लानिंग की आपसे बात करूं तो हम नॉर्मली कैसे बनाते हैं, ऊपर हम इनिशियल्स लिखते हैं अपने किसी भी लेसन प्लानिंग के, कि कौन सा सब्जेक्ट का है, कौन सी क्लास का है, टाइम क्या रहेगा, टॉपिक क्या रहेगा। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू जर्नल एंड स्पेसिफिक। इसके बाद हम टीचिंग एड्स की बात करते हैं, जिसमें हमारे जो भी टीएलएम आ जाएंगे, मेनली हम चॉक बोर्ड डस्टर तो जरूर यूज करते ही करते हैं। इसके बाद हम प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग पीकेटी करते हैं, जिसके अंदर हम क्वेश्चन पूछते हैं, एटलीस्ट 5 तो हम पूछते ही हैं। देन इसके बाद हम यहाँ पे जब बच्चे नो आंसर हो जाते हैं, हम यहाँ पे अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक कर देते हैं। देन वी हैव टू गिव द प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के बाद हम रिकैप करते हैं, एंड रिकैप करने के बाद वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द होमवर्क फॉर द स्टूडेंट। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ लेसन प्लान। लेसन प्लान करने के फायदे क्या क्या हैं? फर्स्ट हमारा एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर द टीचर, टीचर के लिए इम्पॉर्टेंट है। अवॉइड द इम्प्रोविजेशन, मतलब हमारी जो भी रेप्लीकेशंस वगैरह हो रही हैं या जो भी डिफिकल्टी आती है हमें, हम उसे रिमूव कर सकते हैं। द क्लास इज क्लियर एंड स्टूडेंट लर्न मोर। जब आपके पास थोरो नॉलेज होगी तो आप भी बहुत अच्छे से डिलीवर कर पाओगे और स्टूडेंट भी बहुत अच्छे से लर्न कर पाएंगे। एनी टीचर शुड हैव अ लेसन प्लान, सबके पास एक लेसन प्लान होना चाहिए। इफ यू आर प्लानिंग सम एक्टिविटी, आपका गोल, आपके असेसमेंट ऑन टाइम होता ही होता है। सो लेसन प्लानिंग इफेक्टिव टीचिंग जाएगी आपकी। स्टेटमेंट ऑफ एम जो भी है वो आप रियलाइज कर लोगे। प्लान ऑफ एक्शन आप अकॉर्डिंगली करोगे। स्पेसिफिक मीन्स का यूज करोगे आप, एंड विजुअल इमेजिनेशन हम ज्यादा करेंगे। और टीचर की एफिशिएंसी एंड नॉलेज पे भी डिपेंड करता है कि आपने लेसन प्लान कैसे बनाया है। और जब भी आप लेसन प्लान क्रिएट कर रहे हो तो टीचर की नॉलेज एंड एफिशिएंसी भी बढ़िया हो रही है, और इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट भी अच्छा जा रहा है। हम अपनी आउटकम अचीव कर लेंगे। टीचिंग लर्निंग एड्स अच्छे से यूज कर सकते हैं। टीचिंग अकॉर्डिंग टू एज एंड मेंटल लेवल कराएंगे, और अच्छे लेसन प्लान जो है हमारे टीचर प्रोफेशन को अलाइव और इंटरेस्टिंग बना के रखता है। सो लेसन प्लानिंग क्या थी, ये मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कि आप कैसे कैसे करा सकते हो। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, एम ऑब्जेक्टिव सारी चीजें हैं। सो कैरेक्टरिस्टिक अच्छी लेसन प्लान की क्या है, एक्टिव लर्निंग। बच्चे जो है पैसिव लर्निंग ना करें, वो ग्रुप वर्क करें, आंसर करते रहें, डिस्कशन करते रहे, क्वेश्चन सेशन चलता रहे, रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करता हो आपको, डिफरेंट इंस्ट्रक्शन आपको प्रोवाइडेड हो, और आपका कंटेंट भी ऐसा हो जो बच्चों को इंगेज करे और इंटरेस्टिंग हो और डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ हो। नेक्स्ट है क्राइटेरिया फॉर अ गुड लेसन प्लान। ऐसा कौन सा क्राइटेरिया है, ऐसे कौन कौन से हमारे स्टेप्स हैं या क्राइटेरिया हैं जो एक अच्छे लेसन प्लान के मानदंड है, मतलब लेसन प्लान को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। हमारे ऑब्जेक्टिव दोनों गिवन होने चाहिए, चाहे वो जर्नल है चाहे स्पेसिफिक है। रिटन फॉर्म में होना चाहिए, प्रीवियस टास्क उससे जुड़े हों, एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी हमारा वेल सिलेक्टेड हो। एक अच्छा लेसन प्लान उसे ही बोला जाएगा जो लर्नर्स को भी एक्टिविटी ओरिएंटेड बनाए। इट मस्ट बी इंडिकेट द टीचिंग टेक्निक टू बी यूज बाय द टीचर। टीचर को कौन कौन सी टीचिंग टेक्निक यूज करनी है उसका ध्यान दिया जाए। अपरेटस क्या यूज करने हैं आपको ऑन दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, वो भी ध्यान रखा जाए। और आपके इवेल्युएशन में रिकैप करते हुए जो प्रॉब्लम आई है उसको आप दोबारा से रिवाइज करा के खत्म करो। एंड अगर बच्चे आपको क्रिटिसिज्म दे रहे हैं, देन यू हैव टू इम्प्रूव योर लेसन प्लान। ठीक है, सो हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि हमारे यूनिट प्लान क्या होते हैं, ईयर प्लान क्या होते हैं, और लेसन प्लान क्या होता है। लेसन प्लान इज क्वाइट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसका फॉर्मेट भी क्या होता है, कई बार क्वेश्चन पेपर में आपके एक्सटर्नल एग्जाम में एंड इंटरनल ऑल्सो आपको ऐसे ही एक क्वेश्चन मिल जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय द लेसन प्लानिंग, डेवलप अ लेसन प्लान फॉर द क्लास 6th और 7th ऑफ मैथ्स। ऐसे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा बिल्कुल डायरेक्ट, एंड यू हैव टू प्रिपेयर दैट लेसन प्लान ऑन टाइम। तो एक टॉपिक दो टॉपिक आप जरूर प्रिपेयर करके रखो कि अगर आपके सामने डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो देन यू कैन इजिली राइट दैट लेसन प्लान इन योर आंसर शीट। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। सो कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग माय डियर स्टूडेंट। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। बाय बाय, टेक केयर।